यूपी में आज से दूसरे चरण के लिए होगा नामांकन। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर होगा नामांकन। दूसरे चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदान, तो विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की 55 सीटों पर अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही 9 जिलों की इन तमाम सीटों पर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो आज 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरे चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता है जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करेंगे। तो 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरे चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दूसरे चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यूपी के इन जिलों में नामांकन आज होगा। संभल, रामपुर, अमरोहा में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। बदायूं में, बरेली में और शाहजहांपुर में भी आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद में भी आज नामांकन भरा जाएगा। तो संभल, रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर और बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में भी आज नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज शुरू होगी। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से भी जुड़े हुए हैं और वहीं पर मोहित हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहित आपका रुख करते हैं और देखिए जानने की कोशिश करेंगे कि नामांकन प्रक्रिया आपसे शुरू हो रही है, क्या कुछ व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया लगातार चालू है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के सारे पदाधिकारी और बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के भी सारे प्रत्याशी अब तक अपना नामांकन चुके हैं। आज चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है, 10 फरवरी को अलीगढ़ में पहले चरण का चुनाव होना है। लगभग 27,64,000 मतदाता नामा अपने मत का प्रयोग करेंगे और अपना जनप्रतिनिधित्व देंगे। और अभी देखिए अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो लगभग 4 लोगों ने अब तक नामांकन कर चुके हैं और वहीं 1-2 लोग अभी नामांकन से वंचित रह चुके हैं। कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों के नामांकन होने बाकी है, यानी कि कुल मिला के अभी कहा जा सकता है कि अलीगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। क्योंकि अलीगढ़ में पहले चरण का चुनाव है, जहां जहां पोलिंग बूथ बने हैं वहां के थानों में अलीगढ़ लाइन से और बाहर के लोगों से फोर्स भेज दिया गया है, यानी कि चप्पे की पुलिस फोर्स तैनाती कर दी गई है। अभी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो अलीगढ़ में लगातार चल रही है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आज नामांकन का आखिरी दिन है और प्रत्याशी आ रहे हैं और अपना नामांकन कर रहे हैं। हालांकि कल सबसे ज्यादा नामांकन आपके पास, हमारे संवाददाता आगरा से नरेश ठाकरे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, आगरा में अगर नामांकन की बात करें तो आज क्या कुछ व्यवस्था देखी जा रही है, कितने से कितने बजे तक का स्लॉट बुक है? देखिए आगरा की बात की जाए तो आगरा में आज नामांकन का आखिरी दिन है, उसको लेकर के जो बचे हुए प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें उत्साह देखा जा रहा है। अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अगर सपा की बात की जाए तो सपा के प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अगर पहले चरण के जो नामांकन है उनकी बात की जाए तो 24 जनवरी तक उनकी जो पूरी तरीके से उनकी जांच की जाएगी और जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहेगा उनके जो नामांकन है वो करीब 27 जनवरी तक वापिस होंगे। अगर बात किया है तो पहले चरण का जो मतदान है वो 10 फरवरी को होना है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो तैयारियां है वो भी कर ली गई है। तो आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा में आज नामांकन का आखिरी दिन है जी। मोहित, अगर अलीगढ़ में हम कोविड गाइडलाइंस की बात करें तो कोरोना के को मद्देनजर किस तरह की एहतियातन बरती जा रही है, क्योंकि गाइडलाइंस में ये भी जानकारी दी गई थी और ये भी अधिसूचना जारी की गई थी कि 1 प्रत्याशी के साथ केवल 2 ही लोग एंटर कर सकते हैं, प्रवेश मिलेगा उनको? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कोविड गाइडलाइन का प्रत्याशी पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। हालांकि प्रत्याशी अपने जलूस के साथ जरूर आते हैं लेकिन जो पुलिस के बैरियर लगे हैं लगभग 100 मीटर की दूरी से उनको रोक लिया जाता है और 1 प्रत्याशी और 1 प्रत्याशी के अलावा 2 लोग सिर्फ नामांकन करने जाते हैं और बाकायदा उनको मेटल डिटेक्टर से उनको चेक करने के बाद अंदर जाता है और मेन गेट से लेके पूरा कंपाउंड जहां तक नामांकन की प्रक्रिया आरओ और एआरओ बैठे हैं वहां तक पूरा सीसीटीवी की निगरानी में उनका नामांकन हो रहा है। देखिए अगर पुलिस फोर्स की बात करें तो जनपद की पुलिस फोर्स कलेक्ट्रेट पर मौजूद कर दी गई है क्योंकि शांति व्यवस्था बने रहे। कोविड गाइडलाइन की बात करते हैं तो सरकार के चुनाव आयोग के द्वारा सुविधा ऐप का भी पालन किया गया है कि सुविधा ऐप के जरिए आप जो अपना नामांकन कर सके, लेकिन देखा अभी तो यही जा रहा है कि प्रत्याशी डायरेक्ट आकर कलेक्ट्रेट में नामांकन कर रहे हैं। देखिए 72 घंटे की RT-PCR की रिपोर्ट लाना बहुत जरूरी है, बिना RT-PCR की रिपोर्ट लाए हुए कोई भी नामांकन नहीं किया, यानी
कहीं ना कहीं कहा जाता है। जैसा कि इसके लिए भी जारी की गई थी कि प्रत्याशी सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बड़ी तादाद में प्रत्याशी खुद ऑफलाइन तरीके से यहाँ पर खुद व्यक्तिगत तौर पर आ रहे हैं और तब नामांकन कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन फिर भी कम ही आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। देखिए अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अभी तक एक भी सुविधा ऐप के माध्यम से कोई भी नामांकन नहीं हुआ है। कारण उसका यही रहता है कि प्रत्याशी अपने लाभ लश्कर के साथ, जैसे हमने पहले चुनावों में लगातार देखा था कि प्रत्याशी अपने लाभ लश्कर के साथ आते थे और बाकायदा पूरा रोड जाम रहता था, लेकिन इस बार प्रत्याशी आ रहे हैं लेकिन उनके लिमिटेड समर्थकों के साथ, जो उनके मिलने वाले वो आते हैं, लेकिन जहां उनकी नामांकन करने से लगभग 100 मीटर पहले उनको रोक लिया जाता है और उसके बाद में वो अपने कमरे में जाते हैं। लेकिन कोविड गाइडलाइन के लिए सुविधा ऐप के माध्यम से जो भी प्रत्याशी अगर कोरोना पॉजिटिव है या कहीं और से चुनाव लड़ने की भी कोशिश करते हैं, अगर वो अगर कलेक्टर नहीं आ पाते वो सुविधा ऐप का यूज कर सकते हैं, लेकिन देखा यही जा रहा है कि कोई प्रत्याशी सुविधा ऐप का यूज नहीं कर रहा, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट जो होते हैं डॉक्यूमेंट बाकायदा उनके वकील को चेक करा ले। बने रहिएगा हमारे साथ नरेश। अगर हम आगरा की बात कर ले तो आगरा में किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है, किस तरीके से प्रत्याशी वहां पर पहुंच रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, क्या ऑनलाइन माध्यम से भी उतनी संख्या में आवेदन आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया जो आवेदन करने के लिए रखी गई थी, आगरा में किसी भी प्रत्याशी के द्वारा अभी तक जो ऑनलाइन जो नामांकन है वो नहीं किया गया। सभी प्रत्याशी वहां पर पहुंच करके अपने ऑफलाइन तरीके से नामांकन कर रहे हैं। अगर कोविड गाइडलाइन की बात की जाए तो लगातार जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार कोविड गाइडलाइन का पालन करा रही है। जो भी लोग प्रत्याशियों के साथ में कलेक्ट्रेट पर पहुंचते हैं उन लोगों को वहां से करीब 200 मीटर पहले ही रोक दिया जाता है और गाइडलाइन के अनुसार एक या दो व्यक्ति को साथ में आने की अनुमति देती है दी जाती है जी। और अगर बात की जाए तो कई चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, लोगों को चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जाती है। ठीक नरेश, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और मोहित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।